संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्मे राजेश प्रसन्ना पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के पुत्र हैं। राजेश प्रसन्ना बनारस के एक घराने से हैं, जहां लगभग 2.5 सदी से संगीत की परंपरा चलती आ रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति लूथरा प्रसन्ना एक सूफी गायिका है, वो रूहानी सिस्टर्स का एक अहम हिस्सा है। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ते प्यार दा, हो आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, हो सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, हो सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया। रूहानी सिस्टर्स प्रतिभाशाली के एक सुंदर मिश्रण है। उनके प्रदर्शन में सूफी गायिका के साथ साथ कव्वाली, भजन, गजल, काजरी और चैती भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो टॉक विद टॉप्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्लूट आर्टिस्ट मिस्टर राजेश प्रसन्ना, उनकी वाइफ और एक मशहूर सूफी गायिका डॉक्टर जागृति लूथरा प्रसन्ना। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो सर, आप बनारस के घराने से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग 2.5 सदी से संगीत की परंपरा चलती आ रही है। कैसा लगता है आपको हमारी ट्रेडिशन, हमारे जो फोक म्यूजिक है उसका इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बनकर? नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद बनारस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और अपने ख़ानदान की 7 जनरेशन में आता हूँ। तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी ने सब म्यूज़िक की सेवा करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है कि हम इस पीढ़ी को और इस ख़ानदान को आगे बढ़ाने की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, आप लगभग 3 या 4 साल के थे जब से आपने आपका जो इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट बजाना शुरू किया, तो किस तरीके से आपकी फैमिली ने, आपके दादाजी, आपके ताऊजी, आपने सबसे जिनसे सीखा है, तो उन्होंने किस तरीके से आपको प्रोत्साहित किया या कैसी इसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली हमारे घर का एक बहुत अच्छा नियम है कि जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि घर के बच्चे म्यूज़िक में ही आएँ, क्योंकि अगर घर के बच्चे म्यूज़िक में आएंगे तभी वो ख़ानदान, वो घराना आगे बढ़ता है। तो जो हम बच्चे की जो परवरिश है वो उसी तरीके से करते हैं कि वो म्यूज़िक में ही अपने आप को आगे बढ़ाए। तो मेरे दादाजी पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, जिनसे मैंने शुरुआत की, फिर मेरे पिताजी पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, जो बहुत ही नामी फ्लूट और शहनाई कलाकार हैं हमारे इंडिया के, और फिर मैंने अपने ताऊ जी पंडित रविशंकर प्रसन्ना और राकेश प्रसन्ना जी, जो मेरे चाचा जी हैं, उनसे मैंने शुरुआत की, सीखना शुरू किया और सीख रहा हूँ सबसे अभी भी। तो बहुत ही अच्छा रहा कि सबने काफ़ी मुझे अच्छा प्रोत्साहन किया कि मैं म्यूज़िक फील्ड में आऊं, और सारे मेरे घर के सारे बच्चे, मेरे छोटे भाई, मेरे कज़न्स, तो सभी लोग फ्लूट बजाते हैं और सभी बचपन से सीख रहे हैं। अगर हम आपके घराने की बात करें तो शुरुआत से जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो रहा था वो था शहनाई, लेकिन आपके दादाजी जो रघुनाथ प्रसन्ना थे उन्होंने स्टार्टिंग की फिर फ्लूट की, तो ये जो शिफ्ट था इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था एक्चुअली। जो हमारे बुज़ुर्ग, जो बुज़ुर्ग थे हमारे, वो शहनाई बजाया करते थे मेरे परदादाजी तक, बट मेरे दादाजी भी बहुत ही नामी शहनाई प्लेयर थे, बट उनको ऐसा लगा कि कुछ एक नया इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, तो उन्होंने फ्लूट सीखा। फ्लूट सीखा तो उन्होंने फ्लूट खुद सीखा, खुद रियाज़ किया, और वो ख़ानदान में, प्रसन्ना फैमिली में फ्लूट को लेकर आए। तो अभी जो मेरे दादाजी हैं पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, उनकी वजह से ही हमारे घर पे और हमारे इंडिया में फ्लूट की देन उनकी तरफ से है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को सिखाया, उन्होंने पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी को सिखाया, जो हमारे छोटे दादाजी थे, और उनके शागिर्द हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो पिताजी को सिखाया, काफ़ी शागिर्द हैं उनके। तो ऐसे ही फ्लूट का सिलसिला चालू हुआ, तो अभी हमारे इस पूरे प्रसन्ना फैमिली में, पूरे ख़ानदान में ज़्यादातर लोग फ्लूट बजाते हैं उनकी वजह से। तो मैम, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी म्यूज़िक के फील्ड में कैसी एंट्री हुई, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं रहा है म्यूज़िक में, तो आपकी रुचि कहाँ से जगी इस संगीत के फील्ड में? देखिए, जहाँ तक क्लासिकल संगीत का सवाल है, मेरे परिवार में किसी ने भी क्लासिकल संगीत की तालीम नहीं ली है। क्लासिकल संगीत की तालीम लेने का जो सौभाग्य है वो मुझे ही प्राप्त हुआ है, और मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे पिताजी, मेरे माताजी, सभी इंस्पायर हैं म्यूज़िकली, और मुझे काफ़ी पैशनेट लगता है क्लासिकल म्यूज़िक सीखना, और पैशन से गाना सूफियाना संगीत,
जो मेरे खुद के फोटे में है। मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी स्टाइल को खूब समझती हूँ, और उसे पेश करना और उसमें रुच के गाना मुझे बहुत पसंद है। आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा है, नीता पांडे का। आपको, आप रूहानी सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं और आपको टाइटल मिला है सोलफुल सिस्टर्स का, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि रूहानी सिस्टर्स की शुरुआत कहाँ से हुई? रूहानी सिस्टर्स की शुरुआत हुई हमारे कॉलेज में। एक्चुअली वी हैव डन PhD ऑन नुसरत फ़तेह अली खान साहब एंड शी हैज़ डन ऑन वुमेन सूफिज़म फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। एट दैट टाइम आई वॉज इन MA और जो नीता जी थी वो BA कर रही थी। सो हमारी मुलाकात हुई। पैशन था मुझ में सूफियाना संगीत के लिए कि कुछ करना है इसमें, कुछ अलग से एक नाम बनाना है, कुछ मकाम हासिल करना है, क्योंकि वो इनबिल्ट मेरे पैशन में था। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गर्ल ताकि हम एक जुगलबंदी एक फॉर्म हम ये बना सकें, जो कि उस समय नहीं था। फीमेल्स का ये फोटे नहीं होता। एक्चुअली ये एक मैंस ये डोमिनेटिंग एक कल्चर है, इस्लामिक ये कल्चर से ये बिलोंग करता है सूफी म्यूज़िक, और वुमेंस कोई आगे नहीं आई हैं। बट स्टिल ये एक न्यूसेंस था हमारे लिए, एक चैलेंज भी था कि इसको हम लोगों ने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया कि वाई द वुमेंस आर नॉट एबल टू सिंग सूफी म्यूज़िक फर्दर। सो वी टेक दैट चैलेंज, हमने उसको एक्सेप्ट किया एंड वी हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑन दैट। क्लासिकली हम लोगों ने उसे रियाज़ किया, 16-16 घंटे शादी से पहले हमने खूब रियाज़ किया है, और कलामों को बहुत दिल से उसको गाने की कोशिश की है, रागदारी संगीत को सीखा है कि हम किस तरह से रागदारी संगीत अपने कलामों में हम यूज़ कर सकते हैं, उसे पेश कर सकते हैं ऑन स्टेज। तो बहुत ही स्ट्रगलिंग भी रहा है हमारे लिए कि संगीत में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की आवाज़ को समझना, एक दूसरे के स्टाइल को समझना। समहाउ ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ही थी जहाँ हम दोनों का मैच हुआ। हम मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, और समहाउ जहाँ आवाज़ मैच कर जाए, स्टाइल मैच कर जाए, सोच मैच कर जाए, और जहाँ आपने सोल की बात की है, हमारी सोल भी मैच की है। एज़ यू नो दैट वी आर नॉट रियल सिस्टर्स, हम सगी बहनें नहीं हैं, बट स्टिल हमारा ताल्लुक सोल से है, हमारी रूह से है। इसीलिए इस रूह को बेस बनाकर वी हैव मेड आर टाइटल रूहानी सिस्टर्स। ओके, सूफी म्यूज़िक के साथ साथ आप गज़लें, कव्वालियाँ और भजन ये सब भी गाती हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आप फील करती हैं ये सब चीज़ें साथ को साथ में लेकर? देखिए, ये जैसे आपने बताया कि कजरी, चेती या भजन की बात कर रहे हैं, ये सब जो जितने भी स्टाइल्स हैं ये क्लासिकल फॉर्म में आते हैं, सेमी क्लासिकल। क्लासिकल तो संगीत अलग है, रागदारी संगीत है, ये सब सेमी क्लासिकल्स में आते हैं। और हमारा जो सूफियाना जो संगीत है वो भी सेमी क्लासिकल फोक में आता है, एक वो डिवोशनल म्यूज़िक में आता है। हम कहते हैं कि भजन भी तो डिवोशनल है, तो सूफी म्यूज़िक भी डिवोशनल है, मगर स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज़ डिफरेंट। सूफी संगीत की गायिका उसको उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है भजन से। भजन एक सिंपल स्टीडी मेलोडियस वॉइस से गाना, एक उसमें एक अलग मिठास है, जहाँ सूफी संगीत थोड़ा पावरफुल वॉइस विद हैवी रेंज, हाई रेंज, यूज़ ऑफ तान बोल अलाप एंड वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑन स्टेज आपको दिखती है, कि क्योंकि उसमें कॉलिंग ऑफ गॉड खूब रहता है, कि इश्क की बात करते हैं, वो इश्क की बात हम खुदा से करते हैं, वो इश्क की बात हम अपने महबूब को लेकर भी करते हैं, वो इश्क ही रहता है ऑल ओवर। सो क्लासिकल गायकी अलग है, और वो हमने सीखी है, हमारे गुरुओं से सीखी है, और मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ कि क्लासिकल गायकी की तालीम मुझे बहुत बहुत समय रहते अलग अलग गुरुओं से मिली है, जिसमें जो मेरा स्टार्टिंग की जो जहाँ तक मैं सवाल करूँ, मेरा जो बेसिक है वो मिसेस केतकी बनर्जी से रहा है, और आगे चलकर 5 से 6 साल मैंने उनसे तालीम ली, और फिर बाद में पंडित राजन साजन मिश्र जी से, जो बहुत ही जाने माने क्लासिकल सिंगर हैं और ये पद्म विभूषण भी रहे हैं, और काफ़ी मान और काफ़ी इज्जत है क्लासिकल संगीत में उनका। उनसे मुझे तालीम लेने का मौका मिला, क्लासिकल रागदारी संगीत सीखने का मुझे मौका मिला, और सूफियाना संगीत और ये गज़ल की बात जहाँ तक की है, हाल ही में मैं रामपुर सहसवान घराने से उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब से मैं ये गायकी की तालीम मैं ले रही हूँ, और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि इतने दिग्गज गुरुओं से मुझे सीखने का मौका मिला। अच्छा,
रूहानी सिस्टर्स का जो जुगलबंदी है, जो रूहानी सिस्टर्स की, वो तो सभी लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आप अकेली हैं, तो हम अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस के लिए गाएं तो। आपके सामने पेश करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कलाम है, नी अज कोई जोगिया वे। ये एक पंजाबी फोक है जो हम इसमें इश्क की बात हम करते हैं, हीर रांझा का इश्क, उनका सच्चा प्यार की जहाँ तक हम बात करते हैं, कि वो प्यार जो खुदा से भी होता है, वो प्यार जो महबूब से भी होता है। और इस कलाम में हीर रांझे के इश्क की बात कर रहे हैं जो खुदा से मिलता है। तो आपके सामने नी अज कोई जोगिया वे। हो तेरी दीद दा चा अखियां ता मिला आज जिंद जान तैथो वारी 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 जावा नी मैनू चढ़िया रूप दा जहर प्यार दी मीन सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे नी मैनू चढ़िया चढ़िया मैनू चढ़िया हो मैनू चढ़िया चढ़िया मैनू चढ़िया हो मैनू चढ़िया नी मैनू चढ़िया रूप दा जहर प्यार दी बीन सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे। वाओ, बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर गाना गाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गाने के लिए। जी जरूर। तो जैसे रूहानी सिस्टर्स है, वैसे एक और नाम है प्रसन्ना ब्रदर्स का, जो ऋषभ प्रसन्ना है, उनके बारे में हमें कुछ बताइए कि इसकी कहाँ से शुरुआत हुई। ऋषभ प्रसन्ना वो मेरे छोटे भाई हैं, तो हम लोग तीन भाई हैं, राजेश, ऋषभ और रितेश। तो हम सभी लोग क्लासिकल की तालीम ले रहे हैं, और पिताजी का ये कहना था कि सोलो फ्लूट तो सभी लोग बजा रहे हैं, कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पंडित पन्नालाल घोष जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पिताजी का नाम पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, और बहुत सारे फ्लूटिस्ट हैं हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में। तो वो उन्होंने ये हमें ये चाहा कि हम लोग कुछ जुगलबंदी पेश करें, जैसे पंडित राजन साजन मिश्रा जी हो गए, या पाकिस्तान के उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली साहब थे। तो हमने उनका कहना माना और हमने उस तरीके से रियाज़ करना शुरू किया, जुगलबंदी स्टाइल। तो जुगलबंदी स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हम सोलो में जो नहीं कर सकते वो हम जुगलबंदी में कर लेते हैं, जैसे कि हारमनी है। हारमनी वर्ड तो वेस्टर्न का है, बट हम एक राग के दायरे में रहकर उसको दो फ्लूट, दो जब जुगलबंदी फ्लूट बजाते हैं तो अलग अलग सुर से उसको ले सकते हैं। तो हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए इंडिया में, इंडिया से बाहर, और लोगों को काफ़ी पसंद आया। बट ये रहता है कि ऋषभ अब फ्रांस में उनका ज़्यादा आना जाना है, तो हम लोग सोलो प्रोग्राम्स भी करते हैं, मतलब मेरा सोलो प्रोग्राम, उनका सोलो प्रोग्राम्स भी करते हैं। बट जहां हम लोग साथ में मिलते हैं तो प्रसन्ना ब्रदर्स के नाम से फिर दोबारा पब्लिक के सामने आते हैं और अपनी चीज़ों को दिखाते हैं जो हम रियाज करके जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप बाहर देश में भी जाके अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो वहाँ के लोग किस तरह से इंडिया के ट्रेडिशन को या इंडिया के फोक म्यूज़िक को इन्जॉय करते हैं?
वहाँ के लोग, हम लोग बाहर जाते हैं वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं और वहाँ के लोग भी खूब मज़े करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और इंडिया के लोग भी, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग कम सुनते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा मुझे तो हमें नहीं लगता। इंडिया के लोग भी बहुत, आजकल तो सबको बुलाने का बड़ा अच्छा इन्विटेशन, इन्वाइट करने का बड़ा अच्छा तरीका हो गया कि आप मैसेज कर दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। और क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बोलते थे कि क्लासिकल म्यूज़िक छुप रहा है, बॉलीवुड दादा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बॉलीवुड का अपना अलग स्टाइल है, बॉलीवुड सुनने के अलग लोग हैं, क्लासिकल सुनने के अलग लोग हैं, बट क्लासिकल लोग भी बहुत सुनते हैं। जब किसी क्लासिकल आर्टिस्ट का प्रोग्राम होता है तो उस वक्त भी हॉल भरा हुआ होता है। तो और बाहर की बात है, बाहर ये रहता है कि लोग काफ़ी अच्छा सुनते हैं और उन, क्योंकि वहाँ का वो म्यूज़िक नहीं है, तो और इंडिया का क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं दुनिया में बहुत बड़ा म्यूज़िक माना जाता है, तो वो लोग उसे सुनते हैं, उसे मेडिटेट करते हैं। तो दोनों जगह ऑडियंस बहुत अच्छी है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, और दोनों जगह क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत, इंडिया के फोक म्यूज़िक को बहुत सराहा जाता है। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में लोग ज़्यादा, इंडिया में नहीं बाहर भी लोग पॉप म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं फोक म्यूज़िक जो है वो नीचे होता जा रहा है। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसकी वजह से, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछे और भी लोगों से पूछते हैं, बट हम, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि बॉलीवुड या पॉप म्यूज़िक ऊपर हो रहा है, क्लासिकल नीचे हो रहा है। कि देखिए, मेहनत तो सारे म्यूज़िक में है और सारे म्यूज़िक के एक एक जॉनर है, क्लासिकल एक जॉनर है, पॉप म्यूज़िक एक जॉनर है, बॉलीवुड एक जॉनर है, और सभी जॉनर अच्छे हैं, सभी जॉनर आपको खुश करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कोई। हाँ, चैलेंज तो सारे म्यूज़िक में है, सभी म्यूज़िक में चैलेंज है कि आप ज़्यादा रियाज करके आएंगे तो आप अच्छा बजाएंगे, तो ये है। बाकी ऐसा कोई फोक म्यूज़िक ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, क्लास या बॉलीवुड ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना जॉनर है, सबके सुनने वाले अलग हैं और सबको लोग सारा म्यूज़िक पसंद करते हैं। आप दोनों की लव कम अरेंज मैरिज है, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी मुलाकात कहाँ से हुई? सेम बैकग्राउंड है, दोनों ही म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हमारे जो पिताजी हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में म्यूज़िक प्रोफेसर थे, मतलब पिछले साल रिटायर हुए हैं। तो मैं बचपन से ही, जब भी कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन होता था या थिएटर प्रोडक्शन होता था तो मैं चले जाता था, बड़ा शौक था मुझे थिएटर में बजाने का, तो बचपन से ही जा रहा हूँ 11-12 साल की उम्र से। तो चलते चलते सबसे वहाँ जान पहचान, दोस्ती हो गई। तो कुछ सालों बाद, मतलब मैं था 23-24 साल का, तो किसी ने मुझे कहा, यार मुझे एक फ़ीमेल वोकलिस्ट की ज़रूरत है। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मैंने कॉल किया, यार कि भाई मुझे एक फ़ीमेल वोकलिस्ट चाहिए जो अच्छा क्लासिकल गाती हो। तो उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया कि यार एक मेरी फ्रेंड है, मेरे क्लास में पढ़ती हैं, तो तुम उनको बुला लो। फिर बस वही 2 महीने का वो थिएटर का काम था, तो 2 महीने में हम लोग एक दूसरे से, मतलब जैसे होता है एक जनरल आर्टिस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो 2 महीने तो अच्छे गए, हमारी दोस्ती भी हो गई दोनों की। बट उस 2 महीने के बाद फिर हम लोग मिलते रहे, साथ में म्यूज़िक करते रहे। तो मेरा एक बैंड भी है श्वास, जो मेरा और ऋषभ का बैंड है, तो हम लोग उसमें भी परफॉर्म करते हैं, वो फ्यूजन म्यूज़िक का बैंड है, तो उसमें भी हम जागृति को काफ़ी जगह ले गए, उसमें भी गाती हैं। तो ये रूहानी सिस्टर से अलग हैं। तो वहाँ फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, फिर घूमना फिरना, म्यूज़िक साथ में करना, और फिर उसके बाद शादी हुई। तो हमारी शादी को भी 6 साल हो गए और हमारा 5 साल का बच्चा भी है। तो एट लास्ट मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारे ऑडियंस को आप दोनों की एक जुगलबंदी देखने को मिल जाए तो। सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਸ ਗਿਆ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਨਿਜ਼ਾ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਸਾ ਸਾ, ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਸਾ, ਪਮਾਰੇ ਮਨੀ ਦਸਾਨੀ ਸਾ ਸਾ ਸਾਨੀ ਸਾ, ਪਮਾਰੇ ਮਨੀ ਦਸਾਨੀ ਸਾ ਸਾ ਸਾਨੀ ਸਾ, ਪਮਾਰੇ ਮਾ ਪਾ ਪਮਾਰੇ ਸਾ, ਨਿਜ਼ਾ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਸਾ ਸਾ, ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਸਾ ਸਾ, ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਸਾ, ਰੇ 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 ਸਾ, ਰੇ 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 ਸਾ, ਪਮਾਰੇ ਰੇ ਰੇ ਸਾ, ਪਮਾਰੇ ਰੇ ਰੇ ਸਾ ਸਾ, ਨੀ ਪਮਾਰੇ 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 ਸਾ, ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਡੋਲਣਾ, ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਡੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਢੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਢੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਹੋ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਢੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਢੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਢੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਢੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ 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 बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए और हमारे शो से जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले शनिवार आपसे फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स और बने रहिए हमारे साथ। संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्मे राजेश प्रसन्ना पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के पुत्र हैं। राजेश प्रसन्ना बनारस के एक घराने से हैं, जहां लगभग 2.5 सदी से संगीत की परंपरा चलती आ रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति लूथरा प्रसन्ना एक सूफी गायिका है, वो रूहानी सिस्टर्स का एक अहम हिस्सा है। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ए प्यार दा, हो आजा तैनूं अखियां उड़ीक दिया हो सजना, तैनूं अखियां उड़ीक दिया हो सजना, तैनूं अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया। रूहानी सिस्टर्स प्रतिभाशाली के एक सुंदर मिश्रण है। उनके प्रदर्शन में सूफी गायिका के साथ साथ कव्वाली, भजन, गजल, काजरी और चैती भी शामिल है।